नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख, तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे। और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख, केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते गुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं, तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए, बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आनी आ गई, जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो, उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स, यू नो, जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार व्यौहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने, जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।